काला ढूंगी क्षेत्र अंतर्गत पवालगढ़ स्थित रिसोर्ट में एक अधेड़ की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वहीं घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसपी सिटी हल्द्वानी हरवंश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बक्सेंट रिसोर्ट में किचन में कार्य करने वाले गिरीश चंद्र त्रिपाठी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वहीं फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। काला ढूंगी से मुकेश शिमवाल की रिपोर्ट। लाश को इरादतन अंदर रूम में शिफ्ट करा गया है और वह स्टाफ कहता है कि हमें कुछ पता नहीं है और ये गुप्ता जी ने मिलकर ये सारा काम अपने मैनेजर के द्वारा कराया है। गुप्ता जी यहाँ से गायब है और मैनेजर इस काम को अंजाम दे के गायब हो गया है। जो स्टाफ था वो कहता है हमें कुछ नहीं किया है और उसी स्टाफ ने वहाँ पर ब्लड के ऊपर जो लिपापोती करी है सारी सीमेंट की, वो एक ताज़ा है। बैलपुराव में डकसेंट रिजॉर्ट है, यहाँ पर एक रीसन नाम के व्यक्ति की हत्या की गई है जिसकी आयु 54 वर्ष है और इसमें अब मैंने अपने चौकिंग चार्ज को और थानाध्यक्ष को और सीओ साहब को बताया है कि जो भी यहाँ पर लोग हैं उनसे पूछताछ करने के बाद इस हत्याकांड को तुरंत खुलासा किया गया और इसमें अब यहाँ पर टीम गठित करके और इस हत्याकांड को खुलासा किया।